नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आपका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम उद्योग भवन में, जहां हम बता रहे हैं पीछे हमारे, आप देख रहे हैं इस समय मीटिंग चल रही है, और मीटिंग में जो मीटिंग को हेड कर रही हैं वो है वाइस चेयरपर्सन खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की हिना भट्ट। आइए जानते हैं आज की मीटिंग का क्या कारण था, किस तरह से आपने यहाँ पे इनके ऑफिस आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, बताइए आज की मीटिंग के बारे में। भारत सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर्स बनाने का यहाँ हमने निर्णय लिया जी। और वहाँ से बिना रोक जो फंड्स आए हैं, खासकर बी कीपिंग को लेके, क्योंकि कश्मीर का जो वातावरण है पूरा फ्लोरा फौना बी कीपिंग के लिए बहुत ही अच्छा मधुमक्खी पालन जी, मधुमक्खी पालन तो हमारा बानीहाल में हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के फिलहाल बी कीपिंग क्लस्टर बन रहा है, उसकी रिव्यू मीटिंग चल रही है कि कब तक ये तैयार होंगे, कब तक हमारे फार्मर्स को अपना शहद लेके वो उस क्लस्टर में जा सकते हैं। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है हर डिस्ट्रिक्ट में जो हम बना रहे हैं, जहाँ पे अब फार्मर्स अपना शहद लेके वहाँ बेच सकते हैं, ताकि वहाँ पे प्रोसेस हो, बॉटलिंग हो और मार्केटिंग हो, ताकि जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का शहद है और मधुमक्खी पालन, जिसके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि मधुमक्खी है तो जीवन है, और इससे जो फ़ायदे हैं या ट्रेनिंग है बी फार्मर्स की या बी कीपर्स की, उस पर तवज्जो दिया जा रहा है जी। हिना मैम, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर्स खुलने जा रहे हैं? बानिहाल है, बानिहाल मास्टर जी बी कीपिंग है, सुख महादेव है, डोडा में है, कश्मीर में दो हैं, और किश्तवाड़ में एक बनाने के लिए मीटिंग चल रही है। सो लगभग ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगा। तो मैम, फार्मर्स को कितना फ़ायदा होने वाला है इस क्लस्टर के ओपन एक क्लस्टर से आसपास के 10 गांव को फ़ायदा है। मीन जो भी बीकीपर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो इर्द गिर्द 10 गांव के लोग वहां पे अपना शहद बेच सकते हैं जी। मैम, क्या जम्मू को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा? जम्मू में बानिहाल है, सांबा है, डोडा है, यहाँ पे क्लस्टर्स हैं जी। तो मैम, क्या आने वाले समय में कितना लाभकारी होने वाला है, जानकारी अगर कोई चाहिए तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आपके डिपार्टमेंट? बिल्कुल, कोविड के कारण अवेयरनेस कैंप्स नहीं हो रहे थे, पर इस महीने लगातार हमारे अवेयरनेस कैंप होंगे। कोई भी जानकारी के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा दफ्तर है, वहाँ जा सकते हैं। हमारे ऑनलाइन, जैसे आप लोगों के माध्यम से, ऐसे अवेयरनेस भी हम करते रहते हैं मैम, क्योंकि जो गांव के किसान लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंचना उनको इस बार शुरू हो गया है। जैसे बहुत सारी जगहें हैं जहां कोविड फ्री हैं, वहां पे हम लोगों को इकट्ठा करके उनको जानकारी दे सकते हैं। सो ये आज से शुरू हो गया है। तो मैम, फार्मर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? कि फार्मर्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके जम्मू कश्मीर का वातावरण आपकी मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आप इसका पूरा लाभ लीजिए। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड आपको 25 लाख तक का सब्सिडी लोन, जिसमें 35% हम देते हैं, उसमें आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। जो छत्ते हैं, डब्बे हैं, बी हाइव्स हैं, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, हमारे कोई बच्चे बना सकते हैं, और फार्मर्स को ही अपने सही दामों पे दे सकते हैं। बिकॉज हमारे रोजगार भी अपना यहाँ पे, बिल्कुल, ये मेन मुद्दा है रोजगार बढ़ाने के लिए। हमारे जितने भी यहाँ पे युवा लोग हैं, बिना नौकरियों के है, सरकारी नौकरियाँ बहुत मुश्किल है आज के समय में, तो ये हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद हिना मैम, बहुत बहुत जुड़ने के लिए। भारत सरकार की तरफ से एक पहल, और जिसमें हमने बताया आज वाइस चेयरपर्सन खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, और जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं, अगर कोई भी उनको क्वेरी हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं किस तरह से आप, जिस तरह से क्लस्टर ओपन होने जा रहा हर गाँव में, डिस्ट्रिक्ट में, और जिस तरह से बताया उन्होंने किस तरह से उसका लाभ मधुमक्खी पालन करके किस तरह से आप किसान जो है लाभ उठाते हो, साथ ही साथ बेरोजगार
युवा हैं जो आज के दौर में नौकरियां मिलना, जिस तरह से मैडम ने भी कहा, बहुत ही मुश्किल काम है, पर कहीं ना कहीं उनके लिए भी रोज़गार के नए मार्ग खुलने जा रहे हैं। तो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि घर घर तक ये वीडियो पहुँचे, खास करके किसानों तक जो इस समय शायद कहीं ना कहीं जिनको नहीं पता कि किस तरह से मधुमक्खी पालन करके वो अपना व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हो, कई लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।